हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राइट इन्फॉर्मर चैनल के इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई भी वायरस आ जाता है तो आप उसको कैसे हटाएंगे। अगर आपके फोन में वायरस आता है तो आपका फोन सही से नहीं चलता है, वो हैंग होता है और फिर आप उस पर कुछ भी खोलना चाहते हैं तो वो कोई भी एप्लीकेशन नहीं खुलता है। तो आपको इस वायरस को किस तरह से हटाना है इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूं। क्या आपके फोन में एंटीवायरस है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से चेक करेंगे कि आपके फोन में एंटीवायरस है या नहीं है। बहुत सारे मोबाइल फोन के अंदर ऑलरेडी एंटीवायरस इनबिल्ट होकर के आता है और बहुत सारे फोन में नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है। दूसरा पॉइंट है कि कैसे चेक करेंगे कि फोन में वायरस है, उसको फिर आपके फोन के अंदर वायरस है या नहीं है, इसको कैसे आप चेक करेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि वायरस को फोन से कैसे हटाएं, और अगर आपके फोन के अंदर कोई वायरस आ गया है तो उसको आप किस तरह से हटाएंगे। तो इस पूरी वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने फोन के ऊपर आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। ये वीवो का फोन है, हो सकता है आपके पास दूसरा फोन होगा तो उसका इंटरफेस कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा वैसे ही आपको चेक करना है सारी चीजों को। तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर चेक करना है कि आपका जो फोन है उसके अंदर कोई एंटीवायरस आपको इनबिल्ट मिला है या नहीं मिला है। तो उसको कैसे चेक करेंगे दोस्तों, तो देखिए आपका जो भी फोन होगा उसमें एक आई मैनेजर का यहाँ पे एप्लीकेशन मिलता है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मेरे फोन ये वीवो है तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि आई मैनेजर का ये एप्लीकेशन है। तो आपके भी फोन में आई मैनेजर होगा कोई ना कोई, तो आपको जाना है सबसे पहले आई मैनेजर के ऊपर। और आई मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि वायरस स्कैन के लिए कुछ देख रहा है, और यहाँ पे आपको जो ये सेटिंग वाली गियर आइकन दिख रही है आपको इसके ऊपर सबसे पहले क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए कि वायरस स्कैन का यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने क्लियर दिख रहा है, तो आपको इसके ऊपर पहले क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि रेगुलर स्कैन रिमाइंडर, आपका 30 दिन के अंदर आप रेगुलर ये स्कैन करते रहता है। तो आपके अगर आपके फोन के अंदर इस तरह का एंटीवायरस है तो इसी तरह से आपके फोन के अंदर वो दिखेगा एंटीवायरस। और सबसे पहले यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स अगर आपके फोन के अंदर होगा तो यहाँ पे आपको अपडेट पे चेक करना है। जैसे कि देखिए ये कह रहा है कि ऑलरेडी अपडेटेड वर्जन है, तो इस तरह से आप पहले चेक करेंगे कि आपके फोन के अंदर एंटीवायरस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पे आपको स्कैन वायरस का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप अपने फोन को यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके फोन के अंदर एंटीवायरस है या नहीं है। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बता दूं कि ये जो आई मैनेजर है इसका वर्जन 6.005 है। इसका अगर आपका फोन इससे 2. का वर्जन का है, अगर OS उसमें 2.3 और 2. से नीचे का है तो ये आई मैनेजर आपके फोन के अंदर काम नहीं करेगा, एंटीवायरस है। तो आपको यहाँ पे स्कैन करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर स्कैन करता हूँ आपके सामने, देखिए पूरा स्कैन कर दिया सेकेंडों के अंदर, और कह रहा है कि स्कैनिंग ड्यूरेशन सिर्फ 1 सेकंड का है और सेफ है। यहाँ पे जो साइन दिख रहा है चेक का, ऐसे कर दिया यानी कि सारा स्कैन हो चुका है। और अभी का टाइम दिखा रहा है अपडेटेड एंटीवायरस है, एप्लीकेशन डिटेक्शन कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ऐप इंस्टॉलेशन डिटेक्शन 30 दिन के अंदर में कोई भी यहाँ पे सारे ऐप को इसने स्कैन कर दिया और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डन करना है इस तरह से, और आपका पूरा स्कैन हो गया। कोई भी अगर वायरस रहता तो आपको यहाँ पे वायरस दिखा देता। तो पहला ये चीज था। अब दूसरा कि अगर आपके फोन के अंदर एंटीवायरस नहीं है तो अब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके फोन के अंदर एंटीवायरस इनबिल्ट नहीं है, उसके अंदर इंस्टॉल्ड ऑलरेडी आपके फोन के अंदर नहीं मिला है, तो आपको एक फ्री एंटीवायरस एंड्रॉयड फोन के लिए है। यहाँ पे जाना है गूगल प्ले स्टोर में,
और आपको ये एवीजी एंटीवायरस 2021 का फ्री मोबाइल सिक्योरिटी, तो आपको ये इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे इंस्टॉल करके आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से स्कैन करता है। यहाँ पे सारे इमेज दिखाया हुआ है, तो आप इस तरह से इसको अगर आपके फोन के अंदर नहीं है तो आप यहां से जाके गूगल प्ले स्टोर से, और ये वाली एप्लीकेशन है एवीजी एंटीवायरस 2021 का, ये फ्री एंड्रॉयड मोबाइल के लिए है, आप इसको इंस्टॉल कीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद फिर आप अपने फोन को जिस तरह से यहां पे दिखाया हुआ है उस तरह से आपको स्कैन करना है, और ये स्कैन करके आपको पूरा बता देगा कि किस एप्लीकेशन में कोई भी वायरस है या नहीं है। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके फोन के अंदर वायरस है तो अब आप क्या करेंगे। तो वायरस को हटाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने फोन के सेटिंग में, और यहां पे फोन के जब सेटिंग में आएंगे तो आपका फोन का इंटरफेस थोड़ा इधर उधर हो सकता है। हमारे फोन में यहाँ पे मोर सेटिंग के ऑप्शन में मिलेगा, ये वीवो का फोन है, और आपके फोन के अंदर एडवांस सेटिंग के अंदर ये मिलेगा। तो आपको जाना है यहाँ पे मोर सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है बैकअप एंड रीसेट, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है बैकअप एंड रीसेट वाली ऑप्शन, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि इसको रीसेट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फोन का बैकअप लेना है दोस्तों। अगर आप बैकअप नहीं लेंगे तो फिर दोस्तों आप इस तरह से इरेज कर देंगे ऑल डेटा को, तो फिर आपका पूरा का पूरा डेटा खत्म हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले स्कैन कर लिया आपने इंस्टॉल करके, पता चल गया कि वायरस आ गया है आपके फोन के अंदर, तो अब आपको यहाँ पे देखिए बैकअप डेटा का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बैकअप किसके सर्वर पर लेना है, वीवो क्लाउड पे लेना है या गूगल के सर्वर पे लेना है। गूगल सर्वर पे आप ले सकते हैं, अगर आपका जीमेल आईडी होगा तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ क्लिक करेंगे और बैकअप चला जाएगा गूगल के, आपके जो भी गूगल ड्राइव होता है वहां पे एक बैकअप आपका फोन का बन जाएगा। और फिर बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पे बैक आना है, और बैक आने के बाद से ये जो ऑप्शन दिख रही है इरेज ऑल डेटा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद से आपको पूरे डेटा को अपने क्या करना है इरेज कर देना है यहाँ से। तो यहाँ से टोटल के टोटल डेटा आपका इरेज हो जाएगा, और इरेज होने के बाद से फिर आप अपना बैकअप को यहाँ पे देखिए रीस्टोर डेटा का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है, और रीस्टोर फ्रॉम देखिए यहाँ पे आ रहा है कि वीवो क्लाउड और फ्रॉम गूगल सर्वर, तो हमने गूगल सर्वर पे भेजा था, तो अब आपको यहाँ पे गूगल सर्वर पे अगर भेजेंगे तो क्लिक करना है और फिर उस फाइल को अपने फोन के ऊपर बैकअप ले लेना है, और बैकअप लेने के बाद से आपके सारे के सारे डेटा आपके फोन के अंदर फिर से आ जाएंगे। और आने के बाद से आप जब दोबारा से चेक करेंगे उस एप्लीकेशन से, एंटीवायरस एप्लीकेशन से जो आपने इंस्टॉल किया है, तो आपके फोन के अंदर कोई भी वायरस दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से बड़े ही आसानी से आप अपने फोन के अंदर कोई भी वायरस है तो उसको हटा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप अपनी सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि हम अपने चैनल के ऊपर आपको सही जानकारी देते हैं। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।